अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में रहते हुए टिकटॉक यूके का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप कौन कौन सा कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, और उसको मोनेटाइज करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। ये सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट शेयर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो सबसे पहले आपने काम करना है वो आपने एक न्यू जीमेल आईडी बनानी है, क्योंकि हम अक्सर अपनी जो पहले वाली जीमेल होती है या नंबर होता है उनका पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने न्यू जीमेल आईडी बनानी। न्यू जीमेल आईडी बनाने का आपको प्रोसेस का पता ही होगा, मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एड अकाउंट और न्यू डिवाइस आना है और यहाँ से आपने अपनी जो न्यू जीमेल है वो आपने बनानी है। यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और फॉर माय पर्सनल यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिख लेना है। यहाँ पे नेम लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोबारा आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपने अपनी जो ईमेल आपने बनाई है वो आप न्यू भी नेम दे सकते हैं और यहाँ से भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड दे देना है। यहाँ पे आपका बन जाएगा न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट बनने के बाद आपने इस सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और ये वाली जो आईडी है ये आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाएगी, आपकी डिवाइस में न्यू ईमेल आईडी आ जाएगी। अब आपने जाना है दोबारा टिकटॉक के ऊपर। अब आपने ओपन करना है टिकटॉक। जब आप अपनी पहले वाली आईडी लॉग आउट कर लेंगे उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ सबसे नीचे आप देखें बाय कंटिन्यूइंग विद एन अकाउंट लोकेटेड इन, यहाँ पे अगर पाकिस्तान होगा तो आपने जीबी का देना है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम कर देना है। इस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या अपनी वो बर्थडे लिखनी है जो आपने अभी बनाई थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई बर्थडे लिख देता हूँ। ये याद रखना है आपने, ये जो आपकी बर्थडे हो ये 18+ हो, 18 साल से ज़्यादा की हो, यानी कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, आपका ईमेल भी। हाँ, ईमेल के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिख देना है जो आपने अभी न्यू बनाया था। लिखने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये जो जीमेल आपने अभी बनाई थी इसके ऊपर जाएगा कोड, वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो कोड आपने इधर लिखना है और उसके बाद आपकी जीमेल न्यू अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे आपने अपना निकनेम दे देना। निकनेम देने के बाद आपकी जो टिकटॉक है जो आपने न्यू अकाउंट बनाया था, यानी कि आपकी जो यूको की टिकटॉक है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। आपने एक्सेप्ट कर देना। एक्सेप्ट करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल ओपन करना है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करना है और आपने सबसे जो नीचे वाला सेटिंग एंड प्राइवेसी इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन अकाउंट पर क्लिक करना है और दोबारा फिर आपने अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अकाउंट रीजन जो है वो है यूनाइटेड किंगडम का, यानी कि हमारी यूके की आईडी वो बन गई है। अब हमने यहाँ से अर्निंग कैसे करनी है और अर्निंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, क्राइटेरिया क्या है, हमारा अकाउंट मोनेटाइज कैसे होगा, थ्री डॉट पर क्लिक करना है। टिकटॉक स्टूडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारे मोनेटाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन, टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर, क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम, ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हमें मिलेंगे पैसे। हमारा जो अकाउंट है, हमारी जो आईडी है वो मोनेटाइज होगी, उसके बाद हमें ये पेमेंट देगा। अब हम मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। टिकटॉक का जो क्राइटेरिया है वो इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट के आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, सेकेंड आपके 10,000 फॉलोअर होने चाहिए, थर्ड आपके 1,00,000 व्यू होना चाहिए वो भी 30 दिन के अंदर। ये है टिकटॉक का क्राइटेरिया, इसको आपने कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका चैनल जो है आपका अकाउंट है वो मोनेटाइज हो जाए।
मोनेटाइज के बाद आपका अर्निंग कर सकते हैं। अब बात आ गई कि हमने कंटेंट कौन सा अपलोड करना है जिससे जल्दी हम अपना अकाउंट को मोनेटाइज कर सकें और अर्निंग कर सकें। फर्स्ट मेथड है एआई वीडियो। आप एआई से वीडियो जनरेट करवाएं, वो अपलोड करें, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। सेकंड आप खुद का कंटेंट बनाएं, खुद की वीडियो बनाएं, वो अपलोड करें। थर्ड, आप यूट्यूब से लॉन्ग वीडियो डाउनलोड करें, उनमें से थोड़ा छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाएं और शॉर्ट्स में से वॉइस ओवर करें, थोड़ी सी एडिटिंग करें, थोड़ी सी स्पीड कम या ज़्यादा करें। ये प्रोसेस करके भी आप यूट्यूब की वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये तीनों प्रोसेस के ज़रिए आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस्लामिक कंटेंट रखते हैं तो बहुत ही वायरल होगा, और या फिर आप एआई कंटेंट कोई सा भी यूज़ कर लें। तो इस तरह आप यूके की अकाउंट से, यूके के टिकटॉक अकाउंट से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक आसानी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।